बस इतनी लेट क्यों आए हो? झाड़ू लगाओ। भाई बीस रुपए एक पॉप देना। कब से झाड़ू लगाया? गिरा को सामान दो। कौन सी चाहिए? पॉप का। साहब ऐसा मत करो यार, मैं गरीब बंदा। निकल जा यार, निकल जा। ऐसा मत कर। यार मालिक ने मुझे कैसे निकाल दिया? मैं तो काम सही कर रहा था। लगता है उसे सबक सिखाना पड़ेगा। मेरी गैंग में काम करोगे वरना मरोगे। हम काम करेंगे। सही काम करोगे? जी। जाओ चारों तरफ आग लगा दो। ये हुक्म आपका। अरे ये तो क्या हुआ है? उठो बेटा, क्या हुआ है? जल्दी घर जाओ। उठो उठो। को क्या हो गया यार? एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा। लगता है कोई शदीद हादसा पेश है। पता करते हैं। चलो चलो। ये काम छोड़ कर कहाँ गए? पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आए हो आप? इतने साल हो गए तुम्हें, कहाँ से आए? यार हम अपने घर को लौटे हैं यार। के हालात देख रहे हैं, अच्छे नहीं, कोई नजर भी नहीं आ रहा। क्या बात? मुझसे ना पूछो, वो मुझे मार देगा। मुझसे ऐसी बात? भाई चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। किधर आए हो आप? उनको पहचानते हो तो हमें बताओ, आगे हमारा काम है। मुझे कुछ भी नहीं पता भाई, मुझसे ना पूछो, वो मुझे मार देगा। ठीक है। भेज दो।
सरदार जो आपके आदमियों ने मेरी गाड़ी चुराई थी वो मुझे वापस दिया। आपको बाइक अपनी मिल जाएगी, मेरा एक काम करना पड़ेगा, मेरी गैंग में शामिल हो जाना है। हो जाओगा? हाँ हो जाऊंगा। ये कौन लोग हैं? सरदार ये गांव के गद्दार लोग हैं। किधर जा रहे हो? यार हम जा रहे हैं, गांव में हालात भी ठीक नहीं है, इसीलिए बस जा रहे हैं। मुझे पता है, मैं भी उनके साथ बहुत वक्त से जंग लड़ रहा हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। हम अपना गांव बसे हैं। गैंग अंदर से खोखली है, उन्होंने बिला वजह खौफ पैदा किया हुआ है और यहाँ के लोगों में कोई हिम्मत नहीं है कि उन लोगों के खिलाफ लड़ सके, और हर एक अपनी जान बचा रहा है और मेरा भी कोई साथ नहीं दे रहा। आप तीनों ने मेरा हौसला बढ़ाया है। में आपने हम तीनों का हौसला बढ़ाया है, अब ऐसा काम करेंगे कि सारा जमाना उसकी रुसवाई देखे। चलो चलते हैं, अब गैंगस्टर से मुलाकात करने। ठीक है, चलो चलते। चलो भाई। ये काम छोड़ दो, आपने पूरे गांव का हमें बर्बाद किया हुआ है। कारोबार बंद है, लोग भूख से मर रहे हैं और अपने घरों से नहीं निकल रहे। आपके लिए बेहतर ये है। ये काम छोड़ दो, हमें भी अमन से लेने दो, आप भी सुकून से ही रहो और खुद को सरेंडर करवाओ। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको पुलिस से छुड़वाएंगे। मुझे आप लोगों को तरस आ रहा है क्योंकि आप मेरे सामने खड़े हो। सरदार का सरेंडर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप लोग मुझे बेहतर यही है, यहाँ से चले जाओ और जिंदा वापस जाने के लिए सरदार का शुक्र अदा करो। सरदार हमला हुआ है। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। मर गया मादर चोर।